हेलो एंड वेलकम टू द दिस इज संदीप दीजम चलिए बच्चों लोग बात करते हैं कुछ जो की चैप्टर अ अटर टू गॉड से है और दिस क्वेश्चन गोस लाइक दिस इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी एंड वेन ही रिटर्न तो इसका मतलब क्या हो गया ना बचालो कि इसका जो है इस स्ट्रैक्ट का ये जो है लेंचो जो यानी की आ, वो जो आ, लेटर टू गॉड है ना इससे लिया गया है ना और इसमें जो है ना कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट साइड से ना एक बहुत सारा बड़ा सा यानी कि विशाल जो है ना क्लाउड का एक माउंटेन जो है ना आते नजर आ रहा है ठीक है अब उसके बाद जो है ना एयर जो है ना वो कैसा एयर है एयर जो है ना वो फ्रेश है बिल्कुल ताजा है और क्या है स्वीट है ठीक है द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग मतलब जो ये इंसान जो है ना वो कहा जा रहा है इंसान जो है ना वो जा रहा है बाहर निकल रहा है बाहर निकल रहा है सिर्फ और सिर्फ कोई और कारण नहीं था सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि वो जो है रेन की बूंद यानी कि रेन जो है ना रेन का मजा जो है ना यानी कि रेन का जो ना मजा जो है ना वो कहा ले सके अपने बॉडी पे ले सके यानी फॉर द सेक ऑफ द प्लेजर ठीक है ना रेन ड्रॉप्स का ठीक है अब जो है ना एंड वेन ही रिटर्न और वो जो रिटर्न होता है वहां से जब वापस लौट के आता है वट ही एक्सक्लेम्ड उसके बाद जो है ना वो कहता है क्या दे आर रेन ड्रॉप्स वो ये जो है ना दीज आर रेन ड्रॉप्स ये जो है ना रेन ड्रॉप नहीं है यानी कि बारिश की बूंदे नहीं है क्या है ये जो है ना जो स्काई से जो गिर रहे हैं जो आकाश से जो गिर रहे हैं ना वो रेन ड्रॉप नहीं है बल्कि आर द न्यू क्वंस नए तरह के ना क्वेंस हैं नए क्वाइंस हैं बिग वंस आर टेन सेंट जो बड़े हैं ना वो दस सेंट के बराबर है एंड द लिटिल वन इज फाइव और जो छोटे हैं ना वो पांच सेंट के बराबर है ऐसा कुछ कहा जा रहा है इस स्ट्रैक्ट में तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की तो क्वेश्चन है कि विच चैप्टर इज दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेम द ऑथर अब जो हमें दो चीज बताना है इसमें पहले क्वेश्चन में पहला कि ये कौन सा चैप्टर है एंड सेकेंड इसके ऑथर का नाम क्या है ठीक तो है तो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड एंड सेकंड जो है ना वो है जीएल फुएंटिस ठीक है इसकी जो ऑथर है वो जीएल फुएंटिस है तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया हु इज हु सेड दिस किसने ये कहा ठीक है ना ये बात जो है ना किसने कहा तो लेंचो का ये ये कथन जो है ना ये बात जो है ना ये स्पीकर कौन है लेंचो है व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू रेन ड्रॉप्स का कंपैरिजन किस चीज से रेन ड्रॉप का ना तुलना हो रहा है तो न्यू कॉइन से हो रहा है यानी कि नए तरह के कॉइंस से रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया जा रहा है तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ना सेकेंड क्वेश्चन का अ विधअस्फाइड एक्सप्रेशन ही द कहा जा रहा है ना कि सटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ यानी कि एक ऐसा अभिव्यक्ति है ना जो कि बिल्कुल संतुष्ट अभिव्यक्ति से ना वो पूरे कॉर्न का जो जिसपे फ्लावर लगे हुए है कॉर्ड का जो प्लांट यानी कि आ, जो क्रॉप है ना कॉर्न का उस उसपे जो है ना क्या लगे हुए फूल लगे हुए और ये पूरा का पूरा जो फील्ड है ना वो रेन से ड्रैप हो जा रहा है यानी कि रेन से जो है ना वो क्या हो जा रहा है लिपट जा रहा है उसके अंदर रेन लिपट जा रहा है यानी कि चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है ना बहुत सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से दिख रहा है कि चारों तरफ जो ना क्या हो रही है बारिश हो रही है उसके खेत में और उस खेत में क्या है राइप जो है ना पके हुए है, कौन है चिनमे की फ्लावर्स लगे हुए हैं ऐसे किस सिचुएशन में इस तरह के सिचुएशन में क्या हो रहा है ना पूरा जो है ना वो तरफ जो है ना बारिश जो है वो अपना लपट बनाए हुए या फिर बोले कि बारिश जो है ना उसको पूरे तरह से कवर किए हुए उसके फील्ड को ठीक तो है यानी कि यहाँ तक वो बिल्कुल संतुष्ट है बारिश के स्पीड से ठीक है अब देखिए क्या है बट अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टूपलो अब इसके बाद अचानक क्या हो रहा है ना कि एक हवा का जो है ना तेज झोंका जो, जो है ना वो निकल के आता है ठीक है एंड एलोंग विथ रेन अ वेरी लार्ज हेल स्टोम बिगेन टू फॉल और इसके बाद जो है ना बारिश के साथ साथ क्या हो जा रहा है ना ओले जो है ना वो पड़ने लगते हैं ठीक है थीके? अब देखो क्या है क्वेश्चन है कि हु वॉज सेटिस्फाइड हि तो लेंचो ठीक है एंड वाई ही वॉज सेटिस्फाइड टू सी हिस्स क्रॉप अपने क्रॉप को देखने के बाद वो सेटिस्फाइड है अगला देखते हैं दैट नाइट अ वन वो रात जो जो है है ना बहुत ज्यादा थी ऑल आवर वर्क अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा में दिखाई दे रहा है यानी कि ये किसी का बयान है अब ये किसका बयान है हमें फाइंड आउट भी करना है तो ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग मतलब हमारा काम जो है ना बिल्कुल बट्टे में लग गया यानी कि गॉन फॉर द टॉस ठीक है बिल्कुल सारा का काम मतलब बर्बाद हो गया एक तरह से कहे तो देर इज देर इज नो वन कैन हेल्प अस अब कोई भी नहीं है ना जो हमें क्या कर सकता है ना मदद कर सकता है हैंगी दिस ठीक है ना हम लोग जो है ना इस पूरे साल क्या होंगे ना हंग्री जाएंगे यानी कि भूखे रहेंगे इस तरह से वो बात कहा जा रहा है अब जो है ना हमें पता करना है राइट द नेम ऑफ द चैप्टर मतलब चैप्टर का नाम बताइए इसमें ये एक स्ट्रैक्ट आपके क्वेश्चन में आ सकता है एंड इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ये लेटर जो है ना ये सॉरी ये जो चैप्टर जो है ना इस चैप्टर का नाम बताए तो अ लेटर टू गॉड हु इज द स्पीकर अब इसका जो है ना ये इसका वक्ता कौन है तो लेंचो है एंड अगला क्वेश्चन है कि वाई इज स्पीकर सो सैड स्पीकर जो है ना वो इतना जो है ना उदास क्यों बैठा हुआ है उदास क्यों है ठीक है स्पीकर इज सो सैड बिकॉज हेल स्टोन यहाँ पे लिख सकते हैं हेल स्टोन डैमेज हीज क्रॉप ए लेफ्ट नथिंग उसके क्रॉप कोने बिल्कुल डैमेज कर दिया है और छोड़ा कुछ भी नहीं है वहां पर इस वजह से ही वॉज वेरी वेरी सैड थैंक यू चलो